खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा के लोकगीत पूरी दुनिया में धूम मचाते हैं और ये लोकगीत रागनियों के माध्यम से कई कलाकारों द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे इन गीतों को भूलती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज राकेश किलोई, जिन्होंने ना जाने कितने ऐसी रागनियां गाई हैं और कितने मंचों से एक समाज में सकारात्मक संदेश भी देने का काम किया है। किलोई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। राकेश जी, आज बहुत समय बदल रहा है और आज आप गोहाना भी आए हो। गोहाना में सबसे पहले तो पूछूंगा कि क्या मकसद था और किस लिए आए थे? आज गोहाना में हमारे दोस्त डॉक्टर पीनू गायत्री दांतों का हॉस्पिटल है, उनसे मिलने के लिए आए थे और बड़ा अच्छा काम करते हैं हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, और लोगों की मुफ्त में भी कार्य करते हैं गरीबों का। इनसे मिलने के लिए गोहाना में आए थे। राकेश जी, आज बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं, आपने तो बहुत पहले गायकी शुरू की थी, उसमें और आज में क्या फ़र्क मानते? देखिए, आज जो लोगों का रुझान बदला हुआ है, जो नई पीढ़ी है उनका कुछ रुझान बदला है, लेकिन रागनियाँ वही हैं। पंडित लक्ष्मीचंद की, मेहर सिंह की, मांगेराम की, बाजे भगत की रागनियाँ वही हैं, तर्जे भी वही हैं। उन्हीं से निकाल निकाल करके नई जनरेशन में उनको परोसा गया है, उनको लोग पसंद करने लगे हैं, लेकिन जो पहले वाली जो रागनी है वो आजकल बहुत चली हुई है। एक हमारा ये होता था, जो हमारी आवाज़ हरियाणा में आप हम रागनी गाते हैं वो बहुत एक ऊंची आवाज़ होती थी, आज वो थोड़ा सा गायन की शैली बदल गई। हाँ, वो इसलिए बदल गई ना, अगर जो आप एक्टिंग करते हैं तो वो ज़्यादा ऊँची गाने में जो मुंह का मॉडल है वो बदल जाता है थोड़ा। मुंह का मॉडल बदल जाए, अगर हंस के गाएंगे तो धीरे धीरे गाएंगे, तो स्टूडियो में गाना होता है उनका, कैसे भी गाओ, अगर स्टेज का गाना होता तो जबरदस्त जोर लगाना पड़ता है उसमें, इसलिए थोड़ा चेंजिंग आ गई है। आपकी सबसे फेमस रागनी कौन सी? हमारी तो फेमस बहुत सारी रागनियाँ हैं, कोई एक जो आपको पसंद हो। ये भजन भी बहुत है हमारे फेमस, तो तकरीबन रागनियाँ हैं। एक भजन है जो आजकल इस COVID-19 में भी सेट होता है, वो पहले से ही पंडित जी बता गए थे बहुत, मतलब वो इतनी पहले, आज आज के हालात में तो आज जो घट रहे हैं वो पहले से ही बता गए थे कि ऐसे होने वाला है, तो वो है सत्ययुग त्रेता द्वापर तीनू कलु काल में गए, वो आकरण दिख रहे जो वेद व्यास जी कहेगे। सत्ययुग त्रेता द्वापर तीनू कलु काल में गए, वो आकरण दिख रहे जो वेद व्यास जी कहेगे। वेद व्यास जी ने सारी चीजें बता दी थी इस रागनी के अंदर कि ऐसा होने वाला है इस रागनी के अंदर। आज हम देखते हैं जो आपकी जैसे वेशभूषा है, आज भी आप मतलब एक लोक गायक, अगर आपके पास बैठे आपको देखे तो ये महसूस होता है कि एक लोक गायक के पास हम बैठे हैं जी। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो अलग ही, वो टैटू टूटू छपवा के पूरे, वो उनका दौर अलग से है। हमारा जो कलाकारी का था कुर्ता पजामा, और जो कलाकार हैं कलाकारी का स्टेज कार्यक्रम होता है उसमें अलग से तरह की एक ड्रेस पहनी जाती है, तो वो उसमें थोड़ा लोगों को लुभावनापन भी, और कलाकार तो कलाकार ही होता है भाई साहब। जैसे हमने इस कलाकारी को आज तक कम से कम 25 साल हो गए हैं इस कलाकारी में काम करते हुए, हमने कम से कम 8,850 कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम कर दिए, इसलिए लोग हमें प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। कब ये शौक जागा था आपका कि हम इस प्रोफेशन में जाना? देखिए, हमारा शौक तो पहले से ही था, 5वीं क्लास से हमें शौक लगा हुआ था, और 10वीं करने के बाद में तो प्रोफेशनल हो गए थे। 1997 के अंदर हमारा कार्यक्रम चालू हो गया था, लोगों के अंदर जाना आना और गाना बजाना करना, उसी दिन से हम लगे हुए हैं। लोगों ने हमें बड़ा प्यार दिया और उनको भी हम अच्छी तरह सुनाते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं।
आप गायकी के साथ साथ राजनीति का भी बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, जैसा कि आपके बारे में है कि 140 गांव के आप सरपंच हैं, तो ऐसे में सामाजिक ताना बाना भी आपको बुनना पड़ता है, एक वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, तो क्या कुछ समस्याएं आज सामने आ रही हैं और आगे किस तरह से उनका आप समाधान करते हैं और आगे लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, गांव में मिलकर हमारा जो गाने बजाने का काम था और हमारी जो पीढ़ी हैं, दादा परदादा कभी से मास्टर जी रहे हैं, मेरे दादाजी भी मास्टर जी थे, पिताजी भी मास्टर जी है, भाई भी मास्टर जी, माँ भी मास्टर जी, तो सारा काम मास्टरों का था। उसमें हमारे को लगन होगी कि गाना बजाना करना है। उसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर मेरे को एक जिम्मेवारी दी थी, शिव मंदिर किलोई, शिव मंदिर किलोई का मैं प्रधान बनाया। वहाँ मैंने बड़ा अच्छा काम किया, लगन लगा के काम किया। तो उसके बाद लोगों ने मिलकर, गांव वालों ने मेरे को सरपंच बना दिया। सरपंच बनाने के बाद में तो रोहतक, पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों का भी प्रधान बनाया गया। मैं उनका जो भी वो काम होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सरपंच को काम करने ना दें, तो उसके साथ जा कर के उस बातों को सुलझा लेते हैं, गांव की जो समस्याएं हैं उनको भी अच्छी तरह सुलझा लेते हैं, क्योंकि बोलने चालने से ही लोगों का मन अपने अंदर किया जाता है, उनसे बात की जाती है, जैसे जैसे काम किया जाता है उसे लोग पसंद करते हैं, हमने बड़ा अच्छा काम किया, आप भी पसंद करते हैं। कभी सरकार से भी टकराव हुआ? नहीं, सरकार से हमारा एक बार टकराव हुआ था, वो हमारे ऊपर जो ई प्रणाली लागू की थी, उस बार हमें सब सरपंचों ने इकट्ठा हो गए वहाँ पंचकुला में, और मुख्यमंत्री जी से कह करके तो हमने अपनी बात मनवा ली थी और उन्होंने मान ली थी। ऐसा आपकी अभी कोई ऐसा टकराव नहीं हुआ है। राकेश जी, यहाँ पे आसपास में बड़ौदा का उपचुनाव है, ऐसे में क्या मानते हैं, किस तरह का माहौल रहने वाला है? देखो, माहौल तो बड़ौदा का उपचुनाव तो जैसे जैसे सरकार है बीजेपी की है, कैंडिडेट तो मेरे ख्याल से बीजेपी का ही जीतेगा। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप तो एक पंचायती आदमी हैं, लोगों की समस्याएं जरूरी हैं बजाय के एक पर्टिकुलर एक पार्टी का जीतने के। नहीं, बड़ौदा हल्के से जो भी कैंडिडेट आएगा वो उसी हल्के से आएगा, लोग उसकी कदर करेंगे करेंगे। अगर दूसरे हल्के से आएगा उसको क्या कदर करेंगे? ये तो जो उसी हल्के का होगा उसको लंबे समय तक चलना है, उनका काम करेगा तो और भी अच्छी तरह बना देंगे, लेकिन लोगों के मन में है कि अब की बार कैंडिडेट हमारे हल्के से ही हो। लोगों से क्या अपील करते हैं? तो यही अपील करते हैं, भाई जो आपका अपना कैंडिडेट है बड़ौदा हल्के से जो आए, वो आप उसी को वोट दें, उसी की सहायता करें, उसको आगे बढ़ाएं और आपके हल्के का विकास होगा। बिल्कुल, ये तो थे राकेश किलोई जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि गायकी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक ताना बाना बुनने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और बड़ौदा का उपचुनाव नज़दीक है तो ऐसे में उन्होंने ये भी अपील की है लोगों से कि वो अपनी समस्याएं देखें और जो उम्मीदवार आए मैदान में उसको देख परख कर ही वोट करें। के9 मीडिया के लिए गोहाना से अभिजेंद्र लठवाल के साथ अरुण कुमार।